वेलकम बैक सुरेश। बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन में जो मेरी बीवी ने मुझे पूछा है, और वो सवाल ये है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। ये आ गई अपनी लिफ्ट। अबे रुक तो सही, बस लोग चिल्लाती रहती है यार। आ बाबू आ, चल फटाफट इधर। भाई को समझे कि नहीं मैंने क्या बताया? ऐसे किया उसका मतलब ड्राइविंग ऐसे 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 ड्राइविंग। आप लोग जो सोच रहे हैं तो मुझे लगा वो गलत है, बहुत ही गलत है। अपनी गाड़ी भाई एकदम लास्ट में पार्क है, नैनो के पीछे, अपनी क्रिस्टा। मेरे को लाइट चालू किया था सुरेश ने। रोज सुबह को जल्दी उठ रहा हूँ यार, अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, काम भी है अपने पास छोटा मोटा। बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं अपने बेटी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। भाई जो पीछे का जो सीट है ना वो निकालना पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर ने कहा कि भाई वो सीट निकल के आना, क्योंकि उसको पीछे जाने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। अरे उसको डाल देगा रिलेटिव में भाई, तो इन्होंने में रखेगा क्या? अच्छा ओके। अभी ट्रिप ए को कर दी जीरो। तो अभी यहाँ से दो चाय मंगा लिया, और पीछे सुरेश दिख रहा है आपको? मुझे कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ गया भाई वो? तो अपना सीट रख रहा है पीछे डिक्की में, और आगे अपनी दो चाय। भाई दे दो, यहाँ पर रख दो। तो ये अपनी गर्मा गर्म चाय, और ये अपना सुरेश। वेलकम बैक सुरेश, बहुत टाइम के बाद तो आया। अब तुम बड़े लोग हो गए ना, तुम लोग बड़ी बड़ी नौकरी करते हो और हम छोटे छोटे लोग हैं। तुम और छोटे में पेट देख, पेट देख, खाते पीते का करते, इसीलिए तो। क्या हो रहा है? स्मेल है उसमें। चलो अच्छा है, फेंटा को उसको गाड़ी में, मेरे ज़्यादा फेंक दो उसको, फिर नया निकालो। जाते सबसे पहले गोकुल आनंद मुरली ईस्ट में, क्लाइंट वहाँ पे वेट कर रहे हैं, वहाँ से उनका पिकअप करना है एंड वहाँ पे जाना है पूना। पूना में किधर? चाकर। चाकर में किधर? बॉजर पेंट्स के वेयर हाउस में, क्योंकि हमारे क्लाइंट वहाँ पे जॉब करते हैं एंड मतलब वो उन लोग का पूरा कुछ तो है वहाँ पे उनका। तो बस हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं एंड टाइम है सुबह के 5:50, पहुँचना है 6 बजे, पहुँच जाऊँगा आराम से, पहुँच जाऊँगा टाइम पे। एकदम आज एकदम परफेक्ट टाइम पे है भाई, आज कुछ भी लेट नहीं हुआ मेरे से, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। बस ऐसे ही टाइम मेंटेन करते रहो ना भाई, तो चाय में पीने का मौका मिलेगा मेरे को। नहीं तो चाय सब छोड़ना पड़ेगा और ऐसे ही भाग भाग के क्लाइंट को पिकअप करना पड़ेगा भाई। हाँ दिखा दिखा दिखा, तुम्हारी गाड़ी दिखी, मारो लाइट, मारो लाइट, मारो। अरे किधर? ये नहीं है, पीछे वाली है, लाइट मारो। हाँ देखो बेबी, बाय बाय। अरे मिलना आगे जाके, फुटबॉल में मिलते अपन, ट्राई करते हैं। भाई ये देखो अपनी गाड़ी का लाइट्स, क्या सही लग रहा ना भाई, बहुत जबरदस्त फ्लैश है पीछे और ये आगे का, ये देखो। और ये फोन पे ना फोन चालू है राज का, सितारे पीछे देखे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ फ्री में 1600 रुपये का एक बल्ब है भाई साहब, को फ्री चाहिए, वो भी चार। तो गाइस ये रीच द फूड मॉल, यहाँ पे गाड़ी पार्क किया है एंड आज रामनवमी है, तो और बहुत कम गाड़ियाँ है हाईवे पे एंड बैंक हॉलीडे है, तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ कम है कम्पेयर टू व्हाट रोज होती है। कहेंगे अभी अंदर, हम भी जाते हैं अंदर, नाश्ता वाश्ता करते हैं। तो ये आगे अपन पिकअप पंप पे नाश्ता वाश्ता हो गया, यहाँ पे डीजल भरा है 2900 समथिंग समथिंग, क्योंकि 65 रुपीज़ का नहीं 64 रुपीज़ का हमने उन्होंने HP का जो फ्यूल रेडी से बात है ना वो डाला था। तो बस अभी यहाँ पे डीजल भर के फटाफट निकलते हैं, 8:40 यहीं पर हो चुका है। शाम के, अरे शाम क्या बोलो, सुबह के 10 बज गए हैं एंड वी हैव रीच द डेस्टिनेशन एंड अभी जस्ट गाड़ी को पार्क किया है। थोड़ा सा मैं अपना लैपटॉप लेके आया हूँ एंड गाड़ी में है ना थोड़ा सा मेरे को काम करना है लैपटॉप पे, ईयर एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है मतलब, एंड मुझे कुछ पैसे बना के भेजना है क्लाइंट को। तो अभी लैपटॉप सॉरी एक क्लाइंट के लैपटॉप का बैग है, मेरे लैपटॉप का बैग है, तो अभी लैपटॉप निकाल ही लेता हूँ सर्विस में से एंड जो काम करना है भाई सब पहले काम खत्म कर लेता हूँ आज। अभी मैं गया था वेयरहाउस के अंदर, कुछ फोटोग्राफ्स निकालना था सर को, तो कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हमने
क्योंकि कुछ ऑडिट के लिए उनको कुछ चाहिए था एंड कुछ वेबसाइट के पर्पज़ के लिए चाहिए था, तो वो सब हो गया है। हम फिलहाल अभी वापस हम गाड़ी में बैठ के सो जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हम तो मैं ये कह रहा था कि सुबह से कुछ जल्दी उठना पड़ता ना भाई, नींद पूरा होता नहीं है। तो जब भी मौका मिलता ना मेरे को, तो मैं सबसे पहले काम यही काम करता था, सो जाता हूँ एंड नींद पूरा करता हूँ। क्योंकि आगे का जो ड्राइव होता है ना भाई, यू नेवर नो कि कब कितना आपको ड्राइव करना पड़े। चलो अभी तो मैं पुणे में, पुणे से मुंबई जाना है, लेकिन अगर उनके रिकमेंड आगे चलो यहाँ से जाते कोल्हापुर और फिर मुंबई निकलते, तो मेरा जो ट्रैवलिंग का पीरियड है, जो ट्रैवलिंग टाइम है, वो बहुत बढ़ जाएगा एंड फिर मुझे नींद पूरा करना पड़ता है। तो मैं हमेशा एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन जैसे गाड़ी पार्क करता हूँ, तो थोड़ा खाना पीना अगर कुछ करना है तो वो कर लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ एंड फिर जाके मैं सो जाता हूँ। भाई ऐसा करते सो गया था मैं, कम से कम है ना कितना बजे, एक बजे ना ऑलमोस्ट मैं ढाई घंटा सोया। अभी हम लोग आए होटल साई दीप, वहाँ पे काम हो गया है, तो बीस अंदर गए लंच करने के लिए, तो मैं भी जा रहा हूँ अंदर, फिर लंच करके हम सब साथ में निकल जाएंगे टू बस मुंबई। 3 hours later. भाई अभी शाम के बज गए 5:25 एंड जस्ट लाइन को ड्रॉप किया है मैंने, कहीं जगह दहीसर ईस्ट में, तो जहाँ से सुबह को पिकअप किया था ना, बस वहीं पर ड्रॉप किया है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ एंड एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन में जो मेरी बीवी ने मुझे पूछा है, एंड वो सवाल ये है कि आज रात को मुझे खाना में क्या खाना है। भाई मेरे पास इस सवाल का जवाब कभी नहीं होता भाई, कभी नहीं होता। आई एम श्योर ये आपकी लाइफ में भी ऐसे ही होता होगा, मतलब आपकी जैसी शादी हो गई रहेगी या आपके मॉम जब पूछती है भाई बेटा बेटी आपको क्या खाना है, तो शायद जवाब ना भी हो आपके पास। बट मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही होता है कि भाई मेरा जवाब कभी नहीं होता है। मैं सोचता हूँ ओके ये बोलूँ ये बोलूँ ये बोलूँ, फिर जो बोलता हूँ ना बोलता है नहीं नहीं ये तो परसों गया था, अरे ये नहीं ये तो कभी गया था, अरे ये नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो ऐसे ही चलते रहते लास्ट मॉल में किस पे आते हैं हम लोग, खिचड़ी पे आ जाते हैं खिचड़ी। मैं अभी पहुँच चुका हूँ बुरली वेस्ट में एंड पंकित अभी भी आ रही है, शी इज़ इन ट्रेन राइट नाउ, तो वो भी अपने काम से आ रही है एंड अभी वो उतर जाएगी यहाँ पे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने घर पे जाने के लिए। लेकिन प्रोवाइडेड शी डजंट हैव टू गो टू द मार्केट, अगर मार्केट जाना पड़ेगा ना भाई तो एक टॉर्चर है यार, क्योंकि वो गली में गाड़ी लेके, इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाने का ना भाई, यहाँ पे रुको वहाँ पे रुको यहाँ पे रुको वहाँ पे रुको, यार वो कंट्रोल आता है। देखते अभी क्या है ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो वेट करते उसके आने के लिए एंड उसके बाद देखते फिर क्या है। Later that same evening. तो गाइस चलो आज के ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक बाय।